लोग ये मारामारी कर रहे हैं। अब ये देखिए परिस्थिति, रिक्शा यूनियन की हड़ताल का ये क्या असर है आप देख सकते हैं, लाइव हम कैमरे पे दिखा रहे हैं, बस में चढ़ने के लिए लोगों की। और कोई क्या करेगा भी क्या, जब जिसको लंबा दूर जाना है अगर उसको साधन नहीं मिलेगा तो वो बस है, काफी यहाँ खचाखच भरे, रिक्शा बंद हो गया अचानक से। मेरी लड़की देखो पोती है, कैसे बस बहू लेके चल के लेके आ रही है, अभी मैं बच्चे को कैसे लेके बस में जाऊँ, दो दो बच्चे हैं देखो उधर। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हम इस जगह पर जहाँ खड़े हैं वहाँ प्रतिदिन काफी शोरगुल रहता है, रिक्शा की काफी लंबी लंबी कतारें होती है, लेकिन आज यहाँ ये क्षेत्र शांत है। यहाँ आपको एक भी रिक्शा दिखाई नहीं देगा, एक रिक्शा पीछे है वो भी मुफ्त सेवा का रिक्शा है, बाकी रिक्शा यूनियन की आज हड़ताल है। दरअसल हम इस समय खड़े हैं वसई के एसटी बस डिपो के बाहर, एसटी बस डिपो का ये रास्ता है, हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि रिक्शों की कतारें होती है, यूनियन के रिक्शे के अलावा भी बाहर कई रिक्शे होते हैं, आज रिक्शों की हड़ताल है। अब रिक्शों की हड़ताल क्यों है, उसके पीछे का कारण ये बैनर जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बैनर आपको बताएगा कि रिक्शों में मीटर कैलिब्रेशन के लिए जो नियम लागू किया जा रहा है उसको लेकर इनकी हड़ताल है कि रिकैलिब्रेशन जो है उसमें समय दिया जाए, उसकी मुद्दत वाड़ की जाए, उसमें कई प्रावधान है। अगर ये रिक्शों को मीटर को कैलिब्रेट नहीं करते तो इनको दिन का प्रतिदिन का 50 रुपया उसमें फाइन देना पड़ेगा, ऐसे प्रावधान है। उससे बचने के लिए इन्होंने रिक्शा यूनियन ने ये हड़ताल की है। अब किसी भी हड़ताल के फायदे तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, नुकसान ही होता है, तो नुकसान कौन भोग रहा है, नुकसान भोग रही है आम जनता। आम जनता जो आज परेशान है, जो लोग ट्रेन से सफ़र करके आए अपने घर को जाना है या जिसको अपने काम पे जाना है, उनको आज रिक्शा नहीं मिल रहे, इसके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसें खचाखच भरी हुई है, बसें काफ़ी लिमिटेड है, जितनी कैपेसिटी शहर की है उस हिसाब से बसें, ऐसा कहा जाए कि ऊँट के मुंह में जीरा है उतनी है। तो जाहिर सी बात है आज लोगों को पैदल चलकर अपने काम पर भी जाना पड़ रहा है और कई दिक्कतें यहाँ लोगों को पेश आ रही है। रिक्शा यूनियन की अपनी मांग, उनकी मांग अपनी जगह पर है, लेकिन क्या उनकी मांग जायज है, तो इसके पीछे जवाब ये है कि उनकी मांग जायज या नाजायज का बात नहीं कहकर, जिस तरह से रिक्शा यूनियन या रिक्शा वाले लोगों के साथ में प्रतिदिन लूटमार करते हैं, क्या उनके ऊपर अंकुश नहीं होना चाहिए। कोविड का समय था जब शेयरिंग रिक्शा में एक नॉर्मल नॉमिनल पैसा वसूला जाता था और शेयरिंग रिक्शा में लोगों को भाड़े पे लेके जाया जाता था, लेकिन कोविड के हालात बदले और वहाँ दो ही पैसेंजर को, चार के बजाय दो ही पैसेंजर को अलाउ किया जाने लगा, तब रिक्शा वाले को थोड़ा छूट दी गई कि आप अपना रेट बढ़ा सकते हैं। उन्होंने वो तब रेट जो बढ़ाया वो रेट आज भी जारी है। आज भी जहाँ 2-3 किलोमीटर जाने का एक पैसेंजर से 30 रुपया 35 रुपया 30 रुपया 40 रुपया रिक्शा वाले वसूलते हैं, तो उसके खिलाफ कई लोगों की कई संगठनों की शिकायतें पहुंची हैं। और मीटर पर करने में क्या हर्जी क्या है, रिक्शा वाले को उसका जो भाड़ा है वो पूरा मिलेगा ही अगर मीटर पर रिक्शा चलेगा तो कहीं ना कहीं इसमें रिक्शा यूनियन का जो दबाव है हड़ताल करना है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रताड़ित करना है, प्रशासन के साथ पब्लिक को प्रताड़ित करना है। रिक्शा यूनियन का ये कदम जो है उनको अपने आप में अपने गिरेबान में झांक कर झोंकना चाहिए कि क्या रिक्शा यूनियन ने कभी पब्लिक के बारे में सोचा है। जो गरीब आज पब्लिक कोविड में परेशान हुई उनसे इतना ना भाड़ा वसूल किया जाता है, क्या रिक्शा यूनियन ने उनके बारे में सोचा। आज जब उनके ऊपर बात आई तो उन्होंने फट से रिक्शा बंद कर दिए। कई ऐसे रिक्शा है यहाँ जो बिना परमिट के चलते हैं और इसमें बराबर पुलिस प्रशासन भी मिलीभगत है, तो क्या ऐसे में ये लोग रिक्शा यूनियन उस समय पब्लिक का सोचती है। आज तकलीफ किसको हो रही है, आज पब्लिक को तकलीफ हो रही है। तो अभी इसके लिए हम पब्लिक से मुलाकात करेंगे, पब्लिक से इस बारे में अपने राय पूछेंगे। हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, यहाँ लोगों की राय जानते हैं। आपका नाम? प्रकाश धानमेर करके। आप कितने टाइम से खड़े हैं आज रिक्शा की हड़ताल? आपको 15-20 मिनट हो गए, हम लोग को बस नहीं आ रहा, अभी बस आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं।
रिक्शा की हड़ताल से आपको कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि काका क्या नाम है आपका? हेलो, विजय पी उदयसी, आनंद नगर से बोल रहा हूँ मैं। बस तो मैं, मेरे को तकलीफ क्या है कि जाने के लिए लंबा जाना है तो रिक्शा वाला भाड़ा बड़े ज़्यादा लेता था, फिर भी मेरे को ले जाता था, मगर आज रिक्शा बंद है। समझो कोई अस्पताल में जाना है तो कोई बीमार है तो कैसा मैं जा सकेगा बताओ। बस में भी बहुत गिरदी है, बस में जाना मुसीबत है। आज मेरी उम्र 77 है, आनंद नगर में रहने वाला हूँ, मैं बड़ा कलाकार भी हूँ, मगर मैं गलत बात नहीं बताऊँगा, सही बताऊँगा कि रिक्शा ऐसा फारस करके बंद नहीं करना मांगता है, बोलना मांगता है दो दिन पहले कि आज रिक्शा बंद रखने वाला है, तो हम लोग को मालूम पड़ता है। समझो कोई बीमार है, कोई के डॉक्टर के पास जाना है, किसी को सुबह उड़ाने वाली हो, तो क्या करेगा बताओ मेरे को। तो आप पब्लिक के साथ के लिए मेरा सरकार साथ में है, उसके साथ में, समझा, पब्लिक हिल मिल के सब आगे मिल के रिक्शा चालू कराना मांगता है, ऐसा बंद नहीं करना मांगता है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुदामा दुबे। रिक्शा, अरे रिक्शा बंद हो गया अचानक से, मेरी लड़की देखो पोती है, कैसे बस बहू लेके चल के लेके आ रही है, अभी मैं बच्चे को कैसे लेके बस में जाऊँ, दो दो बच्चे हैं देखो उधर खड़े, ऐसे अचानक से क्यों बंद कर दिया ऑटो वाला? उनका हड़ताल है, उनका कहना है कि उनको जो मीटर लागू कर रहे हो, हाँ, तो कल ही बता दे, कल ही बताना मांगता है ना, उन्होंने बताया था पहले, लेकिन शासन की कमी है कहीं ना कहीं पर। देखो पोती है, बता कैसे लेके जाऊँ, लंगड़ हुआ, फच्चर हुआ है हाथ, देखो बच्चों है, देखो मेरे सेंट फ्रांसिस स्कूल से, सेंट फ्रांसिस से है, देखो कहाँ पढ़ते बेटा? सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल। ये सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल यहाँ से कितना लंबा है? बहुत दूरी है, यहाँ से बहुत दूरी है सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस बहुत दूरी है, लेकिन कितना परेशानी है, अभी दो दो बच्चा एक उधर है छोटी, क्या करूँ आप बताओ पहले। ये बच्चा लेकर है, आपका नाम? महेश। ये लोग मीटर से लेकर आ रहे, वो तो शेयर रिक्शा में चल रहे हैं, इसीलिए उनको तकलीफ हुई कि मीटर जब लागू करने वाली सरकार बोले आपको मीटर लागू करना आवश्यक है। वासन नगरी से स्टेशन पहले 12 रुपए था, उन्होंने डायरेक्ट है ना 20 रुपए किया, उसका क्या? वही चीज है, उसका क्या? अभी इनके ऊपर मीटर लागू किया जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है, जब पब्लिक को तकलीफ होती है, आज इन्होंने काम बंद किया तो भी पब्लिक को तकलीफ, ये काम करके पैसा का लूटमार कर रहे तो भी पब्लिक को तकलीफ हो, वो रिक्शा यूनियन को नहीं दिखता है। नहीं तो वो तो शासन को देखना पड़ेगा, यूनियन को खुद को सोचना पड़ेगा, आपने जब 12 से डायरेक्ट 20 कर दिया उसका कौन जिम्मेदार है? डायरेक्ट 8-8 रुपए बढ़ा दिया एकदम। मैं स्टार्टिंग से अपना सोशल वर्कर हूँ, और मैं देखा सुबह से स्ट्राइक है, लोग सब परेशान हो रहे हैं, और मैं खास करके सीनियर सिटीजन को ही छोड़ रहा हूँ जो चल के नहीं जा सकते हैं। मैं 3 बार बाबोला गया, 2 बार मानव मंदिर गया, और 6 बार मानिकपुर गया, तो वो हिसाब से मतलब अपना सबको छोड़ दे जा रहा हूँ, डेट टू विदाउट एनी चार्ज, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। एक ये रिक्शा यूनियन है जो लोगों को परेशान कर रही है, और दूसरे ये सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी लोग हैं जो लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं। रिक्शा यूनियन अपने फ़ायदे के लिए लोगों को परेशानी में डाल रही है, और ये जैसा बता रहे अभी, एक बढ़ाऊँगा मैं, ये जैसा बता रहे अभी कि इन्होंने बिना किसी लालच के और बिना किसी पैसों के लोगों को यहाँ से कम 5-7 राउंड इन्होंने किए, 3 बाबोला तक के राउंड किए, 2 बार 6 बार मणिपुर तक के राउंड किए, तो बड़ी बात है, तो ऐसे कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा मैं अपना मतलब अपना बीजेपी से जुड़ा हूँ, अपना व्यापारी आघाड़ी का अपना जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं जिला का उपाध्यक्ष हूँ मैं, और ये मैं हम लोग इससे जुड़े हुए हैं अपना बीजेपी से, तो हम लोग सोशल वर्क में बहुत मतलब ये अपना ये रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हमारे साथ इस समय वसई रिक्शा यूनियन के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जी है, हम इनसे आज की स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्ते साहब, नमस्ते, बोले। आज की स्ट्राइक का क्या कारण है सबसे पहले बताइए। स्ट्राइक का कारण ये है साहब कि सरकार ने हमें टाइम दिया था, लेकिन टाइम अवेलेबल टाइम नहीं दिया था, 1.5 महीने में 4,52,000 गाड़ी है, तो फटाफट होएगा नहीं, प्रशासन उतना काम जल्दी करेगा नहीं, हमारे ड्राइवर वहाँ पे जाते हैं तो 1 से 2 बजे तक लंच होता है, 4 बजे 5 बजे साहब आते हैं, आराम से आते हैं, तो कैसे पूरा पासिंग भी नहीं हो पाएगा और मीटर का भी रिकॉलेशन भी नहीं हो पाएगा, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है सर। और उसके बाद एक बैग उन्होंने 50 रुपये का फीस लगा दिया, 15 जनवरी तक उन्होंने टाइम दिया था, तो इतनी गाड़ियाँ लोडिंग हो गई तो कैसा होएगा, ऑलरेडी अभी हमें टाइम चाहिए सर। आपने अभी जब ये मेंशन किया कि आप जाते हो और वहाँ आपको समय पर नहीं होता, तो उस पर मेरा एक सवाल है कि क्या
जैसा नॉर्मल पब्लिक को नॉर्मल जो पासिंग है उसी प्रोसीजर में ये प्रोसीजर होता है कि आपके लिए उन्होंने फिलहाल कोई एक अलग सेल बनाई है? नहीं नहीं, उसी के अंदर होता है सर, हमारा मीटर भी पासिंग हो जाता है और गाड़ी का भी पासिंग हो जाता है। वो सिस्टम रखेंगे तो ऑलरेडी साल में एक बार गाड़ी पासिंग होता है तो उसी समय हो जाएगा। फिलहाल जो मीटर रिकैलिब्रेशन की बात हो रही जी, इसके लिए उनको नहीं, आपको कुछ लोग स्पेशल देने चाहिए जो वही काम करे ताकि काम फास्ट हो? हाँ, तो उनको करना चाहिए, प्रशासन का काम है सर ना, हम फीस भरने के लिए तो तैयार है ना, तो प्रशासन का काम है ना। मतलब ये नियोजन उन्होंने किया नहीं? किया नहीं है, किया नहीं है सर, कुछ भी नहीं किया है। दूसरा सवाल कि आपको क्या लगता है कि आपके जो लोग हैं कितने रिक्शा टोटल है और इनको कितना समय लगेगा ये सब कैलिब्रेशन करने, आपकी टाइम बॉन्डिंग क्या है? कैलिब्रेशन करने के लिए कम से कम मार्च तक जाएगा, अप्रैल तक जाएगा सर, 4,52,000 गाड़ी है सर, इतने जल्दी हो नहीं पाएगा। अभी उन्होंने लिया 8 बजे 7 बजे रात तक वो कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा सर। सुविधा भी नहीं है। अच्छा, सर मेरा एक सवाल ये है कि आपको दिक्कत मीटर से है या मीटर नहीं कैलिब्रेट नहीं हो रहे उसके लिए जो एक्स्ट्रा समय का जो फाइन लेने वाली उससे है? क्योंकि अगर मीटर लग जाएगा तब भी कहीं ना कहीं जो आज जिस तरह से रिक्शा आपके ही लोगों से वसूली करते हैं उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा, तो क्या दिक्कत वो है? सर बात ऐसा है कि मीटर रिकॉलेशन का जो पेनल्टी चार्ज जो 50 रुपया रोज का मार रहे हैं उससे हमें ज़्यादा दिक्कत है हमारे ड्राइवरों को, और मीटर चालू भी हो गया तो भी हमें कुछ नहीं फर्क गिरने वाला है सर, मीटर से हम चलेंगे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक रिक्शा वाले जो बेईमान है, मैं बेईमान शब्द नहीं बोलूंगा, नहीं हर एक अपना पेट लेके बैठे मैं बेईमान नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ रिक्शा वाले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वसूली करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है, उनका है हमारा घर का पेट चले, लेकिन जो लोग वसूली करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, और ज़्यादातर इसमें लोग हैं बाहरी लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा, तो क्या यह एक कारण है विरोध का? नहीं नहीं, विरोध का वो कारण नहीं है सर, ऑलरेडी इसमें प्रशासन है तो प्रशासन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, हर जिम्मेदारी यूनियन वालों की नहीं होती है। कितनी गाड़ियां नल्ला चलती हैं विदाउट लाइसेंस में चलती है, कहां से कौन आता है, बस इतना चलता है, प्राइवेट बसें इतना चलती हैं, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है सर, सब जिम्मेदारी यूनियन वालों की ही नहीं है। नाला बस चल का नाम क्या है? मेरा नाम जयकर तिवारी है, बस रिक्शा यूनियन को साथ दे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि महासंघ ने निवेदन दिया था महाराष्ट्र सरकार को, परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री, तो उसका सही अपने को कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज 7-8 दिन हो गया, तो ये जो फाइन सिस्टम चालू हुआ है, ऐसा हम लोग का मीटिंग हुआ था तो कोई सूचना नहीं दिया गया था, RTO और भौतिक विभाग के साथ में, तो कौन हाल है सिंघवी हाल, उसमें मीटिंग हुआ था, तो ऐसा कोई फाइन का प्रावधान नहीं था, लेकिन तत्काल में फाइन क्यों लागू हो गया? और हमारी मांग ये है जब गाड़ी पासिंग होता है उस समय मीटर पासिंग हो ना, पहले भी तो मीटर लगा है, लेकिन उसमें रिक्शा जब से चल रहा है तब से मीटर लगा है, आज नया सिस्टम नहीं है। नहीं, लेकिन आपका यह जो सवाल है उसका मैं इस तरह से जवाब देता हूँ कि मेरा पासिंग समझो, मेरा पास है आज, मेरा पासिंग समझो 1 साल बाद ड्यू है, और किसका कल ही है, तो कल वाले को मीटर लग गया, और 1 साल वाले को 1 साल बाद लगेगा, तो क्या दोनों में कॉम्बिनेशन, एक जो मीटर के हिसाब से वसूल रहा है दूसरा तो कैसे? यहाँ साहब मीटर चलता ही नहीं है, एक कानूनी प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है, यहाँ सब शेयर जोन है, यहाँ पालघर जिला शेयर जोन है, हम लोग ने शेयर, यहाँ मीटर चलता नहीं है, 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो समुद्र है, उधर समुद्र से घिरा हुआ है, इधर हाईवे से घिरा हुआ है, मीटर चलेगा कहाँ? मीटर तो मैं चलाने के लिए तैयार हूँ, मीटर से चलने से हमको दोनों साइड से भाड़ा मिलेगा, यहाँ का कंडीशन ऐसा है कि सुबह में जिस प्रवासी को घर से ट्रेन में छोड़ने जाता हूँ वही प्रवासी शाम को मिलता है, आप पूर्वी छोर जो है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, सुबह में जाते हैं लोग काम करने के लिए, वही पैसेंजर लेकर शाम को हम लोग छोड़ते हैं, वन साइड धंधा है, तो मीटर चलाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सरकार को बहुत जरूरी है तो मीटर चलवाए, मीटर से हम लोगों का है सर, मीटर गिरा के जाएंगे एक आदमी को पोड़ने वाला नहीं है, 110 रुपीज़ ऐसा कुछ गिरता है, अगर वो 30-25 में पहुंच जा रहा है तो उसको प्रॉफिट है ना, इंडस्ट्रियल एरिया ईस्ट आपका लगता है वहाँ टोटल वर्कर लोग हैं 20-25 रुपये में पहुँच जाते हैं आराम से शेयर में। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन अब मैं एक एज ए
मैं इस समय जनता का प्रतिनिधि पत्रकार होकर ये अगर आप लोग से ये मांग करना चाहूँ रिक्शा यूनियन से कि आपने ये बात रखी, आपका भी पेट है और आपने जिस तरह से इन्होंने बताया कि वन साइडेड होता है, लेकिन क्या जनता के लिए आप यूनियन आगे आकर जो रिक्शा है जो बहुत कुछ जो डिफरेंस है जो कि कहाँ पे लगता है कि ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है उसको कम करने में सहयोग करेंगे? कम करने में अभी तक हम लोगों ने शेयर जोन का पासिंग कराया सर, जो कि एक आदमी को 100 रुपया 125 रुपया पड़ेगा ना, इसके लिए उसको हमने तीन भाग में कर दिया है, 30 रुपया 25 रुपया कर दिया है, 140 रुपया हमारा हाईवे का गिरता है, 30 रुपये में हम जाते हैं सर, तीन सीट लेकर, सोचिए तीन सीट लेकर जाते हैं हम, बस यही गांव का भी वही समस्या है सर। और तो जनता को तो हम सहयोग कर ही रहे हैं सर, इससे में बोल दो ना गाड़ी का प्राइस क्या हुआ, महंगाई क्या हुआ, महंगाई है ना, मैं क्या बोलता हूँ, पेट्रोल का भाव आज पेट्रोल का भाव क्या है, 110-120 ऑयल के साथ में 120 पड़ता है, और सीएनजी जोन घोषित कर दिया गया, सीएनजी का कहीं व्यवस्था नहीं है, 30% तीन तीन घंटा चार चार घंटा लाइन लगता है तो सीएनजी भराया जाता है, वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, मिला पूरा नहीं मिला, पालगढ़ जिला सीएनजी जोन घोषित कर दिया गया, 30% पेट्रोल गाड़ी है, 70% सीएनजी है, तो सोचिए कैसे पड़ेगा पेट्रोल वालों को, पेट्रोल के ऊपर कोई भाड़ा ही लागू नहीं हुआ सीएनजी के ऊपर। मैंने सोचा था कि रिक्शा यूनियन को मैं पूरी तरह से घेरूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिक्शा यूनियन के जवाब से मैं खुद निरुत्तर हो गया। वास्तव में कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ों की अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, कुछ इनकी समस्याएं भी जेन्युइन है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हम, पब्लिक की समस्या जहाँ है बराबर है, पब्लिक की समस्या भी है, लेकिन इनकी समस्या भी है वो भी अपनी जगह है, रिक्शा का अपना एक डेली बेसिस का जो हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस खर्च होता है, फ्यूल खर्च होता है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी पहले से हो चुकी है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी भी जायज़ है। अब मैं जैसा अभी मैंने ऑन कैमरा इनके रिक्शा यूनियन से एक सवाल पूछा था, वही मांग अभी यहाँ मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करके एक अपनी तरफ से एक जनता का प्रतिनिधि होकर एक ये मांग करना चाहूँगा कि इसकी मध्यस्थता होकर कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि आम जनता के जेब पर भी भारी न पड़े और इन रिक्शा यूनियन के जो लोग हैं इनको भी तकलीफ न हो। तो कहीं ना कहीं आज की हमारी इस रिपोर्ट से अभी यही निकल के आता है कि हर एक की अपनी मजबूरियाँ हैं, उनको हमको साथ में लेके ही चलना है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।